गुलाबी रंग रूपको मालदा टीम की मालदा नोडे बड़ा टीम नेमली सेटर करा उत्तरी छोर से किया डी मालदा की टीम और दक्षिणी छोर से यहाँ पर बढ़ेट और इस बार बढ़ेट क्षेत्र की स्टार खिलाड़ी यहाँ पर चंद्रा है पीछे की ओर देख पास खेलने के बाद प्रदीप हेमरम धोन के द्वारा अच्छा शॉट वहां पर विधन के लिए और विधन का बहुत ही सुंदर पास वहां पर पेनल्टी बॉक्स पर था गेंद लेकिन वहां पर गोलकीपर सनेश हंसदा का एक सुंदर कनेक्शन गेंद के साथ बहुत ही सुंदर गेंद को अपने कब्जे में ले लिए वहां से मालदा की टीम और यहां पर ये खिलाड़ी का लुक जो है आप देख सकते हैं अचानक अगर इस प्लेयर्स को आप देखेंगे तो ऐसा लगेंगे ये खिलाड़ी शायद यहाँ पर विदेशी मूल के खिलाड़ियों का जो लुक है उनका जो हेयर स्टाइल है बिल्कुल उनसे मिलता जुलता है लेकिन हमारे ये देसी खिलाड़ी हैं आप कंफ्यूज मत होइए इनका नाम है अजीत सोरेन और अभी तक मालदा टीम लेकिन वहां से कन्हू हल्का सा वहां पर क्रॉस एंगल पर गेंद को खेले जरूर थे इसी बीच गोलू मुर्मू गेंद को क्लियर सुंदर डिसीजन बेहतर करते हुए पर हेड की टीम लेकिन यहां पर मालदा भी कम नहीं है मालदा जर्सी नंबर 19 पहने हुए मिलन हंसदा मिलन ने अपने लेफ्ट फॉरवर्ड को खेलने का प्रयास किया वहां लेकिन वहां पर प्लेयर्स का भाव और गेंद फ्री फ्री टच लाइन से बाहर जाती थी नेक्स्ट मैच के लिए दोनों ही टीम्स के जो टीम के मैनेजर है आप अभी से अवगत रहेंगे एफसी केवटा टीम वर्सेस झंडू बाबा स्पोर्टिंग क्लब घागर जानी आप अभी से अवगत रहेंगे क्योंकि इस मैच के समाप्ति के तुरंत बाद ही आपका चौथा मुकाबला खेला जाना है नियम बाद ना मैच लगी अब नीत खोल गई बना टीम रन मैनेजर अब रिपोर्टिंग लगी बन क्रू टू या और अब रन प्लेयर्स को अवगत बन दो ककवा एंथे नुकिना गति मुझे दो सांस होंगे थी कि अब ना नेक्स्ट मैच हो तो बहुत अब ना सुनील मुर्मू लंबा लंबा रन अप लगा लंबा लंबा डग बना
बॉल हासे दिना प्रयास देखन होय दरे गोल और इतना सुंदर गोल, इतना सुंदर फिनिशिंग वहां। और इस प्रकार से परहेट की टीम पहला गोल देकर के अपने टीम को एक मजबूती प्रदान करते हुए अड्डी मोज उन्हें फिनिशिंग गलना सफा सफी गोल। और तीन नंबर एम गोल का मां जर्सी नंबर एम उदुक तमा बरहेट टीम चंद्रा जी। और चलिए बरहेट टीम के ये गिने चुने खिलाड़ी में जाने जाते हैं चंद्राय। और यहाँ पर चंद्राय के द्वारा यहाँ पर अपने टीम के लिए पहला महत्वपूर्ण गोल देकर के अपने टीम को मजबूती प्रदान किया है। और देखना होगा अभी समय काफी है इस मैच में, ये शुरुआती समय का मैच चलायमन पर है, प्रगति पर है। तो मैच में वापसी आने के लिए मालदा टीम के भी यहाँ पर मौका मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर इस मौके को गंवाते हुए गेंद ऑफ टारगेट पर जाती भी। ये तो हम समय ना मैच कर रहे थे, ज्यादा मुश्किल तो बंद है ना मालदा लगी हो, मालदा टीम वहां को वापसी दरिया पहल हाफरेगी जिदा जे लगभग वहां 8-9 मिनट ना मैच ने धनी प्रगति रे बिना नोडे खोनार भी दम बरहेट टीम उड़ा जर्सी नंबर 10 राइट साइड ना छत खोन गुडगुडा उसले बोले दी कंठया बेन कनो देखो अजीत उना बॉल हेडिंग माध्यम से वापसी की दर आर्मी थम बिरधन हेमराम अच्छा पास उने खोन चंद्राय लगी चंद्राय ने मोच बबर गुटे प्लेयर सलारे उना बॉल डुकना प्रयास बेन खान ये दम बॉल पोजीशन का दो बिना अजीत ओका दो मालदा टीम रे अजीत ओडी मोच जर्सी नंबर 5 एक अति क्रिया पर संतोष सोरेन बेन का दिए धोम आर के धोम कर होकर जरे आर थोड़ा गन हड़बड़ा हट ये नमो खना गोल करते चिदा जेते मालदा टीम हो रे नुकुआ प्रयास बना जेबन पहिल हाफ रे गिनवा बेन खान सुनील थोड़ा गन डीप रे बोलो ना आर बॉल थोड़ा गन बाहर ने चलाओ ना आर बन खान ने ना बोले कंट्रोल लेखन दोसार गोल हियो ना संभव ना बुझो कन भैया आर बड़ी सुंदर रफ्तार में बना टीम ने धनी किन खिलोड़ करना पहल हाफ ना मैच। हालांकि 1-0 से तयम हतार गया मालदा टीम बेनखान मालदा हो जहां खराब दो भाई हटी इकना बेनखान थोड़ा गन बॉल पोजीशन बरहेट टीम पक्ष रे उनको हित रे ज्यादा जलो खना पहल हाफ रे 1-0 से लीड करने के बाद बरहेट की टीम का जो हौसला है वो बुलंद होता हुआ उनका मनोबल थोड़ा सा ऊंचा है कुछ समय के लिए। और यहां पर एक ऑफसाइड का ट्रैप में फंसते हुए यहाँ पर हिट टीम के खिलाड़ी और यहाँ से इनडायरेक्ट फ्री किक के माध्यम से गेंद को क्लियर करेंगे इस बार मालदा की टीम। चंद्राय पीछे की ओर खेलने के बाद वहां पर चुनकू ने अच्छा पास निकाला बट वहां पर देखना होगा गेंद पोजीशन ये देखे इतना सुंदर ग्राउंड पास जो है बरहेट की टीम आज खेलते हुए और मालदा टीम भी कम नहीं है। मालदा वहां पर गेंद को आगे ले जाने का प्रयास और इसी बीच यहां पर एक लॉन्ग रेंज का पास खेल लिया है और इसी बीच ये देखिए थोड़ा सा बॉल दो सेट उड़पना मीठे कॉर्नर बॉल माध्यम से हुई दरिया मौका और मालदा टीम आक्रमण नहीं थमी जारी की बिना और इसी बीच ये देखिए सुंदर गोल और इस प्रकार से मैच में वापसी कर ली है मालदा की टीम। और दोनों ही टीम फर्स्ट हाफ के लगभग यहां पर 13 मिनट के अंदर जो है यहां पर दोनों ही टीम 1-1 की बराबरी पर जर्सी नंबर दिखाएंगे हाथ उठाएंगे जो गोल वापसी किया है जर्सी नंबर 4 और ये देखिए डिफेंस लाइन के खिलाड़ी है और डिफेंस लाइन के खिलाड़ी जो है फॉरवर्ड लाइन में आकर के एक आक्रामक खिलाड़ी के रूप में वहां जाकर के जो है एक सुंदर योगदान देते हुए अपने टीम के लिए और मैच को वापसी करने में बहुत बड़ा योगदान दे दिया है जर्सी नंबर 4 पहने हुए इस्माइल टुडू। और पहल हाफ रे की बना टीम ने भी गुटे गोल करते बराबरी रहे आदी तो मैच में मजा बुझो सीधा जे ते बना टीम के मिनी गुटे गोल करते बराबर रहे बना किरण। और अब आएगा मजा इस फर्स्ट हाफ के बचे हुए समय पर और अच्छा शॉट वहां से और जर्सी नंबर 4 वहां पर इस तिहिया बैठे मजबूत भिड़न बढ़ेट और मालदा तलारे तिहिया गदो टूर्नामेंट ना तेसार मैच करना और अच्छा क्रॉस उन्हें खोन ये लबुन चंद्रा एक अब्जर की बॉल चंद्रा उन्हें कुछ समय बोले होल्ड की दल और दूसरा गोल लगी तीन धनी को सक्षम करे करना बढ़ेट एफसी मुर्मू स्टार बढ़ेट टीम दूसरे गोल की तैयारी में चंद्राय का शॉट
लेकिन ज्यादा गति दे बैठे बिलन हस्ता अरुणे बबर गुडे प्लेयर से आदरण प्लेयर सुनीत खोंगे लगभग लगभग सपड़ा होते दो ककिन बन से दो कको बन चिदा जे दे दुखिना गति छिल का मुचे दो सेकंड हाफ ना इने सांस हो गए देगी अबेदा नेक्स्ट मैच हो और मीटिंग डायरेक्ट फ्री किक माध्यम से डिमोच को क्लियर ला के ना पर हिट नीधा बड़े फिर धन बिरधन ना बोल डिमोच हटिंग ला के आर इन सपोर्टिंग लगी बेन खान नीधा भी बॉल पोजीशन समान नंबर का तिल हाउ का बेन खान उनके प्लेयर सा भाव ता है के ना आर उनके डिमोच बैक पास करते माल द टीम ना बोले क्लियर ला के ना और मालदा हो बाय बाय तेरे उनके मैच वापसी करते हैं मैच रे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट नुकवा टीम से कौन हो जाने वो करना हालांकि ये तो हम समय थोड़ा का येलो करता है पर हिट टीम ओपोनेंट ऊपर दबाव बनाओ करते हैं बन खान भाई भाई थे पूरे बालदर टीम हो और ज्यादा सुधार है गुप्ता यार टीम रे लगभग भी तो बनार से खोल के 50-50 मैच की गति है ना 1-1 ना बराबरी है और यहां से सुबेन जर्सी नंबर 10 में मालदा की टीम राइट साइड के लगभग कॉर्नर जोन के छत्र से यहां पर बैक पास करने के बाद अजीत को खेल दिया है बाहर अजीत एक प्लेयर्स को बहुत ही सुंदर चकमा दे दिया और अच्छा पास वहां पर निकालते हुए प्लेयर का इशारा अच्छा क्रॉस वहां पर पुनः मौका बन सकता है अजीत ने अच्छा क्रॉस खेल दिया है समांतर दिशा में लेकिन वहां पर जर्सी नंबर 4 पहने हुए सुभान कुमार का एक सुंदर क्लियरेंस और इसी बीच वहां से लेफ्ट साइड के छत्र से डीप में गेंद को खेलते हुए और इसी प्रकार से जो है गोलकीपर सकल ने गेंद को अपने सुरक्षित ग्लव्स में ले लिया कुछ समय पहले हाफ रहे नुका बुझो का दया पर हेड टीम ओपोनेंट ऊपर अधिक जस्ती दबाव बनाओ था बैन खान भाई भाई थे मैच रे अड़ी जस्ती बदलाव जल जमो खड़ा नोटे फिलहाल मालदा टीम हो आक्रमण ना तैयार रे जल जमो खड़ा और सुंदर वापसी का एक गोल है चिदाज है लगभग उका दो 12 खन 13वां मिनट उका दो प्रगति रे है कना पहिल अपना मैच इने समय रे की मैच है वापसी की दा आनी धबी बना टीम अडी मोई संतुलन रे बिना किना 1-1 ना बराबरी रे नोटे खोन अगला गोल उकोटा टीम से खोन जल जमो नोटे खोन जला बोल सुनील नोटे ऑफसाइड ना ट्रेट रे फसावना और बेटा इनडायरेक्ट फ्री किक को जमा लिया था मालदा टीम मालदा की टीम लंबा पास लेकिन वहां पर गेंद से काफी दूर उनके सहयोगी खिलाड़ी ये तलार गई बड़ी बहुत लहा से बॉल शूट लहा के जा खिलाड़ी पीयूष वहां से वो बड़ी हीरो ने लेते हैं नडे मलदा से कोई भी थे खिलाड़ी इना मोजे रहा ऊंची हो कदा जर्सी नंबर 9 कोई गति कैन खिलाड़ी मलदा से कोई थोड़ा गान उड़े पास रे मिस्टेक हुई ना उनारे नितो मलदा टीम 19 नंबर रे मिलन हस्ता बड़ी मौज नहीं तो अजीत लगी और हो अजीत छे की बॉल अजीत तो लहा से अरे राइट आउटर खिलाड़ी पास हिमाय दिया है कुमुटुंदा मैन खान बॉल दौर हो पूरा अपने कार्य टच लाइन को बॉल बाहर है बड़ी फुर्ती सलाह बना रखी गई थी कि ना नहीं सलाह थी कि यार हो बड़ी मौज मौका ही नहीं आम क्रॉस जरूर लगाओ का पेनल्टी एरिया रे बॉल जरूर झुकाओ के गया जमीनी क्रॉस पर है कदा मैन खान गोल कीपर सुरक्षित हाथ रे बॉल चलाओ ना कोई खतरा बा थोड़ा गान उड़े रेफरी बॉल ते जोसे नहीं जाते रेफरी उड़े मैच है रुकाओ किधर हाँ रथु बॉल के साथ नोड़े ड्रॉप बॉल के साथ मैच स्टार्ट हुई ना आर रनिया साउथ की आर हो कॉर्नर एरिया को बॉल क्रॉस दरे अकना सुबह मालदा टीम बड़ी मोई जमीनी क्रॉस लगाउदा मेनखान उनकी बेहतरीन और देखो इंटरसेप्शन अडी बेहतरीन था एकना रक्षक पंती होते थे पर ही
टीम चितान रहे आक्रमण बनाओ या कुरुटु मैन खान कर हूं जहल कहते बॉल नोडे चंद्राय लगी आ चंद्राय दोड़ी बॉज अक्वा हाफ कोई व सेंटर सर्किल परम तो लोई अड़ी बॉज पास से बनाओ कर आर थोड़ा गान उड़े बॉल स्लो के दा आर शॉट लगी जगह सुन रहे था शॉट में जरूर लगाओ के गी मैन खान थोड़ा गान गोल पोस्ट पे बाहर थे कोई किसी तरीके का दिक्कत बा नोडे मलदा टीम मी गुटे गोल कते नीथो बना टीम बराबरी रही ये तलारे अजीत आर हो मीटे खिलाड़ी चेकाव परम कते लहा से बढ़ा भी आए कुरबुतुई दा मैन खान उड़े रे चुक ना से बॉल उन्हीं की पड़ावा नीथो बॉल उन्हीं की पड़ाव कर मैन खान ये साउथे पर हिट थोड़ा गन संगे गाती लगी लहा से पास लहा के दा मैन खान उड़े नी तीन नंबर जर्सी हरो का मलदान अड़ी मौज मीटे खिलाड़ी चतुराई सला उड़े चेकाव कते अच्छा पास उड़े संगे गाती लगी मलदार एन खिलाड़ी जर्सी नंबर 19 रे गाती का मिलन हस्ता मंकी हंते नी चार नंबर जर्सी हरो का खिलाड़ी मतवा हाफ को बॉल जहल का सुरक्षित उड़ लिया है कुरुबुटु रहता है किधर सुबान कुमार को तो हाफ रे बनाया ये तलारार हो पेनल्टी एरिया रे बॉल एडी सेटर रे है कुरुबुटु किसी भी गेंद को टैकल करने की कोशिश खूबसूरती से गेंद को अच्छा पास निकाला लेकिन बीच में ही परहेट के खिलाड़ी 11 नंबर ने थोड़ा सा पास बढ़ाया साथ ही खिलाड़ी के लिए लेकिन इसी बीच में एक बार फिर से थोड़ा सा गेंद टर्न होकर मल्ला के क्षेत्र में और मल्ला ने आगे की ओर गेंद को बढ़ा दिया है और मल्ला के 12 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी रूसी मुर्मू गेंद को पेनल्टी क्षेत्र में गेंद को क्रॉस करने के इरादे से गेंद को एक शॉट लगाया था लेकिन गोलकीपर के हाथ में गेंद जाती हुई सकल हंगरम है गोलकीपर पर हेड की ओर से और फिलहाल हाफ लाइन से सुबान कुमार गेंद को लेकर काफी तेज गति से आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा वहां पर क्रॉस पास किया लेकिन थोड़ा सा वहां विपक्षी खिलाड़ी को वहां चकमा नहीं दे पाए और अच्छा पास यहां अजीत के लिए और फिलहाल देखना है अजीत तेज गति से आगे बढ़ने की कोशिश अजीत का जो हेयर स्टाइल है पूरी तरह से मुंबई सिटी एफसी के एक खिलाड़ी मुझे याद आता है विपिन सिंह हाल फिलहाल में है वो डोरंड कप में खेल रहे थे कोलकाता में और इस बार का जो डोरंड कप हुआ था मुंबई सिटी और बेंगलुरु एफसी के बीच और जहां पर सुनील छेत्री और रॉय कृष्णा जैसे स्टार के बदौलत डोरंड कप 2022 यहां बेंगलुरु एफसी की टीम ने जीत दर्ज किए चल आइए आइए चल 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 और ना ये तनो डे जहां तक कोई नुकसान बा हालांकि नोडे जो तो ठेका पर उम बैक हुआ गोल दा सिबा ये तलारे बंगाल टीम अटी मोज मौका तो है केना थोड़ा गांव सेकंड गोल होते होते रह गया क्या बेहतरीन अवसर बनाया था गोलकीपर को भी चकमा दे चुके थे लेकिन वक्त रहते वहां गेंद को खतरे से बाहर निकाल दिया सुबान ने अन्यथा यहां लगभग 95% गोल में कन्वर्ट हो चुका था और एक बात ही से यहां अच्छा पास निकाला है वहां अजीत के लिए राइट आउट से बंगाल के खिलाड़ी आगे बढ़ पाते या नहीं हालांकि वहां रक्षक पंथी उनको टैकल करने के लिए लगे हुए हैं जर्सी नंबर 5 में प्रदीप हंगरम ब्रेक की ओर से और फिलहाल हाफ लाइन से गेंद क्लियर कर ली गई है किया डडी मल्ला से खोज इस्माइल टुडुल का खिलाड़ी ओके द मीठे गोल चुके होगा साइलन हसदा प्रसन्नता सोरेन लखीम हेमरम मिलन हसदा अजीत सोरेन सुमेन सोरेन जैसे खिलाड़ी जबकि रूसी मुर्मू और बप्पी बास्की जैसे स्टार खिलाड़ी मौजूद मिला हुआ यह तला रहे गोल कीपर सुनेस हसदा हवा हवाई शॉट या गोल एरिया को हालांकि जर्सी नंबर 10 थे बॉल रुड़ है इकरा और सुमेन सोरेन नीथो सॉरी नोडे जर्सी नंबर 10 जीठा मुर्मू ने संभवतः नोडे बॉल संगे गाती लगी थ्रोइंग पास बढ़ाव दिया कुरुमटू मेनखान तीन नंबर होते थे नोडे साइलेंट हस्ता हल्का ते कटाव रिया किन कुरुमटू इधर इसी बीच बहुत ही सुंदर पास चंद्राय के लिए आगे निकलने की कोशिश फिलहाल गेंद छिटक कर रायडी प्रसिद्ध खिलाड़ी के नए बढ़ाया गया बोल ब्रेट एरिया रहे साहबगंज छतर रेडी नया चर्चा और पापुर हो अड़ी हद तक उन्हें खिलाड़िया चर्चा हमेशा अड़ी लंबा समय को अनुभव बनाते हैं बैठे पानी तला रहे डायरेक्ट हिट है लगाओ किताब हार बॉल गोलकीपर आती रहे चलाओ
सेकेंड हाफ गति तीन चलना तीन तीसार गति नित कियाडी मलदा और अकोई टीम मे एनारी लिया बन लड़ा बुना गपा पहल को गतिया एफ सी राज प्लस टू पाकुड़ और एफ सी अर्तापुर तलारे गति घमासान यहाँ हुआ इन उम्मीदा गपा पहल मैच गपा सेकेंड मैच हुआ जत ख सुंदर खिलोड़ उम्मीद मे एफ सी सार्जम बगान सिजवा और उनकुद को गतिया एफ सी बोकारो सुने गपा थर्ड मैच तहना एफ सी जी टी आई पंडू घाट रांची और उनकुद को गतिया एम एस पी टी गोड्डा तलारे गपा उका चौथा मैच हुआ सेल एफ सी सेल को गपा अब बीच को हजुना सेल एफ सी और उनकुद को गतिया पकुआहाट जूनियर धदोस बाबू गोरा मालदा गपा उनकुद को गतिया चौथा मैच तो नवा को गपा आठ गोटे नया टीम बन नाम को और ग्रुप बी में मज मज टीम जो खे फेवरेट टीम मे गपा बन दाते इंतजार बोना गपा नवा हिहिड़ी पिपीड़ी क्लब सिवली डंगा सफारम से खे आपे को नेवता बरती तीन रेगेपे और नियेद चेना जे जो बन बड़ा गया दिबी कली वक्त अद दिबी पूजा इते दशहरा वक्त मेला को नित छुट्टी बड़ा बोले और फुटबॉल उसके लिए और तेज रफ्तार के साथ खेलना जस्ट मौका मिला है दोनों ओर से कि गोल दागने का लेकिन उसमें से सफलता मात्र एक ही गोल दोनों ओर से अभी तक देखने को मिला लेकिन बाकी बचे समय में क्या करता है दोनों टीम के खिलाड़ी देखना है क्योंकि दोनों ही टीम में ऊर्जावान मौका मिलेगा या मालदा की टीम को तो देखना कि बाकी बचे समय में क्या कोई अपने टीम के लिए कोई भी ऐसा खिलाड़ी जो अपने टीम के लिए जो कहा जाता है विनिंग गोल और विनिंग गोल किस खिलाड़ी की ओर से आता है देखने लाइक होगा जब तक अभी ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है लेकिन पुनः एक बार देखना होगा अच्छी कोशिश और जबरदस्त कार्रवाई करते हुए इधर से ऑपोजिशन टीम के खिलाड़ी पुनः एक बार वहां पर फिर से एक बार कोशिश लगाया था लेकिन उतनी ही अच्छी क्षेत्र रक्षण उस जगह पर मौजूद वहां पर बरहेट के खिलाड़ी द्वारा और दोनों ही टीमें बॉडी स्ट्रेकर जो होता है बहुत ही मजबूत दोनों लंबे चौड़े कद काठी के खिलाड़ी हैं दोनों तरफ से और देखने में मजा आ रहा है बाकी दर्शकों को यहाँ खेल जिस भावना से जिस दृष्टि से वो लोग खेल को दिखा रहे कहीं दोनों ही टीम के ओर से ऐसा लग नहीं रहा कि आपस में लड़ते झगड़ते ऐसा कुछ नजर रहा और बेहतरीन ढंग से खेल को खेला पुनः एक बार वहां पर गोल पर अभी भी 15 नंबर के जर्सी पर है बरेट की टीम बैक पास करते हुए अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी 5 नंबर के लिए लेकिन जब तक 5 नंबर के खिलाड़ी इस बॉल पर हावी होते हैं वहां कहीं ना कहीं मालदा टीम के खिलाड़ी बॉल को आगे की ओर खेलने में सफल रहा और बॉल के नीचे कौन सा खिलाड़ी देखना है लेकिन वहां पर सीधे तौर पर 4 नंबर के जर्सी पर एक अच्छा शॉट लगाया है लेकिन देखना है क्या है और सही समय पर उस बॉल पर हावी होते हुए वहां पर मालदा के कीपर द्वारा और दोनों ही टीम एक एक के स्कोर पर अभी भी बरकरार है देखना है बाकी बचे समय में क्या कर गुजरते हैं दोनों टीम के खिलाड़ी और मैं चाहूंगा नेक्स्ट मैच के लिए जो आज का चौथा मैच साबित होगा वो है और कोशिश लगाया था वहां भी कीपर एरिया से बाहर है लेकिन सही समय पर वहां पर सपोर्टिंग खिलाड़ी आकर बॉल को आगे की ओर धकेलने में कामयाब रहा और आज का जो अंतिम मैच कहा जाएगा वो है चौथा मैच एफसी केवटा टीम वर्सेस झंडू बाबा एफसी घागर जानी के बीच खेला जाना है तो मैं दोनों ही टीम के टीम प्रबंधक से आग्रह करूंगा कि आप भी धीरे धीरे हमारे लेफ्री मंडली का जो मंच बनाया गया उस और आने का कष्ट करेंगे जैसे ही इनका खेल खत्म होगा आज का मैच आप लोगों का होना है तो आप विलंब ना करें धीरे धीरे उस मंच की ओर आने का कष्ट करेंगे एक अच्छा सा शॉट लगाने का प्रयास लेकिन वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उस टच लाइन को छूते हुए बॉल आप पुनः एक बार थ्रोइंग का मौका मिला था यहाँ पर बरहेट की टीम को लेकिन अच्छा हेडिंग के द्वारा बॉल को रिटेन करने में सफल रहे वहां पर अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के लिए लेकिन जब तक बॉल पर वहां पर बरहेट के खिलाड़ी हावी होते हैं लेकिन एक अच्छा कोशिश रहा पुनः एक बार बरहेट के खिलाड़ी द्वारा बॉल को आगे की ओर खेलने का कोशिश था
कनु अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी को अभी भी ढूंढते हुए, और जैसा इन दोनों ही टीम के बीच खेल देखने को मिल रहा है, अगर समय रहते ही अगर अपने टीम के लिए दोनों टीम के, और एक गलत मिस पास के कारण कहीं ना कहीं पुनः एक बार गोल पर हावी, और शायद यहां ऑफ साइड का इशारा है, और एक छोटा सा पास देते हुए सुनील के लिए, सुनील देखना कितना बेहतरीन ड्रिबलिंग करके बॉल को आगे की ओर निकाला, यहां पर आठ नंबर जर्सी चांद्राय के लिए, और क्या अच्छा शॉट लगाया है यहां पर सुनील, लेकिन सुनील का बॉल कहीं ना कहीं उस गोल फ्रेम के अगल बगल से गुजरता हुआ, अगर सही समय पर वो बॉल फ्रेम के अंदर होता तो कहीं ना कहीं आज बरेड की टीम 2-1 से लीड करते हुए नजर आती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। शॉट जो था वो शॉट सही दिशा में नहीं रहने के कारण अभी भी दोनों ही टीम 1-1 के स्कोर पर बरकरार है। एक अच्छा सा चेस्ट डाउन करते हुए बॉल को, और पुनः सुनील बॉल के पीछे थे, लेकिन सुनील के कब्जे में अभी पुनः एक बार सुनील ही अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी को देने में सक्षम रहा है 11 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन जब तक वहां चंद्राय पहुंचते बॉल पर, लेकिन वहां पर पुनः एक बार 12 नंबर के जर्सी पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं मालदा टीम के खिलाड़ी, कि बेहतरीन ड्रिबलिंग करके बॉल को आगे की ओर खेलने का कोशिश किया है, और अभी भी 12 नंबर के कब्जे में ही बॉल, एक छोटा सा पास देने का प्रयास था लेकिन अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी को देने में असक्षम रहे, और देखना है बॉल स्लाइडिंग होते हुए बॉल को लेने में सक्षम नहीं हो पाए, और पुनः एक बार यहाँ बरहेट के खिलाड़ी के कब्जे में बॉल, एक अच्छा सा 19 नंबर के द्वारा पास किया गया, लेकिन वहां पर अपना सपोर्टिंग खिलाड़ी नहीं होने के कारण यहाँ आउट एरिया से जो खेल रहे खिलाड़ी उसके कब्जे में बॉल है, यहाँ देखना है पुनः एक बार बॉल, लेकिन जब तक सही